दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार आदा सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामी नारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा, What goes around comes around। दुनिया में सब लोग कर्म की बातें करते हैं, कहते हैं अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करो तो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? पूरी जिंदगी जो हम कर्म करते हैं क्या उसका इसी जन्म में भुगतना पड़ता है या फिर हमारे पास लाइफ का भी कोई चक्कर है? चलिए जानते हैं अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। सांसारिक जीवन बिताते समय अच्छे बुरे कर्म होते हैं, लेकिन सामाजिक मान्यता यह है कि इसे जीवन में ही उसका फल भुगतना पड़ता है। इसके बारे में आप मार्गदर्शन करिए। सचमुच तो इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसके हमें फल मिले हैं ऐसे लगता है। सचमुच कर्म जो सचमुच करते हैं कर्म बीज वो इस जन्म में हमें मालूम भी नहीं। हम तो बस ये कल होटल में खाया, दो दिन से पेट में बीमारी आ गई, जैसे एक होटल में खाया वो कर्म है और हमें बीमारी आई कर्म फल ऐसे लगता है। पर सचमुच होटल में क्यों खाया, आपने खाया दूसरे ने नहीं खाया, तो ये कर्म बीज पिछली लाइफ में आता है। तो वो कर्म बीज बहुत सूक्ष्म है पिछली लाइफ का, और वो कर्म बीज वहाँ है उसका कर्म फल इस लाइफ में आता है और कर्म फल का परिणाम इस लाइफ में आता ही है। तो कर्म बीज पिछली लाइफ का है, कर्म फल इस लाइफ में और कर्म फल का परिणाम भी इस लाइफ में। और कर्म भुगतने के कर्म फल भुगतने के टाइम नए कर्म बीज गिरते हैं, कर्म फल परिणाम भुगतने के टाइम नए बीज गिरते हैं, और बीज के फल इस लाइफ में नहीं आएंगे, उस दूसरी लाइफ में आते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत की। कर्म क्या है और कर्म बंधन कैसे होता है? क्या हम हमारे वाणी विचार वर्तन से कर्म बांधते हैं या सिर्फ भाव ही काफी है? सुना है मनुष्य जन्म में आते ही कर्म की शुरुआत हुई, तो हमारा पहला जन्म किस आधार पर हुआ था? कहते हैं हमारे कर्म के ऊपर ही हमारी नेक्स्ट गति निश्चित है। तो क्या कभी हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा होगा? क्या हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकेंगे? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। हमें जो दुख होता है वो हमारे कर्मों से होता है। तो जो लोग होते हैं अपंग पैदा होते, किसी को हाथ नहीं रहते, पैर नहीं रहते, किसी को आंखें नहीं रहती, तो उनका क्या? वो भी कुछ कर्म बांधा है। नहीं, घर में कुत्ता है तो हम लकड़ी से उसको पाँव नहीं तोड़ देते, बाद में इतना मारते उसका पाँव टूट गया, तो वही दूसरी लाइफ में हमें भी आएगा। या किसी की मश्करी करते हैं, कोई शरीर की क्षति है, कोई इंद्रियों की, तो हम उसकी मश्करी करते हैं, तो हमें वो इतनी मश्करी का दंड आता है कि दूसरी लाइफ में हमें वो शरीर में वो कोई अवयव की क्षति हो जाएगी, है ना। हमें ही हम खुद ही गुनाह करते हैं, हम खुद ही दंड भुगत लेते हैं, भुगतना ही पड़ेगा, है ना। किसी को दुख मत दो, किसी की मश्करी मत करो, किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखो, अभाव तिरस्कार मत करो, और हो गया तो दिल से पश्चाताप करो, तो फिर कर्म थोड़ा कम हो जाएगा और गुनाह का दंड भी कम हो जाएगा। कोई भी गुनाह करने के बाद हम खुशी मनाते हैं तो गुनाह 10 गुना बढ़ जाएगा, और कोई भी गुनाह हो गया दिल से पश्चाताप करते हैं तो गुनाह का दंड आधा पाव मिलेगा, कम हो जाएगा दंड। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत की। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमें अच्छा घर, अच्छा परिवार, बहुत पैसा, सक्सेसफुल बिजनेस किस आधार से मिलते हैं? क्या यहाँ पर भी कर्म का सिद्धांत कार्य करता है? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। आपकी जो संतान आपको मिलती है उसका कर्म का कोई हिस्सा है या नहीं? पूरा हिस्सा है। अरे पत्नी मिलती वो भी हमारा हिस्सा ही है कर्मों का। पूर्व में जिसके साथ ज्यादा राग किया या ज्यादा द्वेष किया वही नजदीकी पत्नी होके आती है। सबसे ज्यादा राग, सबसे ज्यादा द्वेष, और बाद में उसे थोड़ा कम राग द्वेष वो बच्चे होके आते हैं, उसे कम राग द्वेष वो माँ बाप होके आते हैं। अरे हमारा ही राग द्वेष, नहीं एक व्यापारी है तो
वो माल रखता है तो उसको ग्राहक आएंगे कि नहीं लेने के लिए, तो ये और बाद में हिसाब बाकी रहा तो हम उसके पास उगराणी वसूल करेंगे, चलो इतना माल लिया 5 लाख 5 हजार का लाओ 5 हजार, तो ये माल के सौदाबाजी उसके लिए व्यवहार है। तो माल कौन सा, हम राग किया द्वेष किया, अरे पड़ोसी उसके लड़के को डांटता होगा चोरी करने के वजह से, और आप बोलो अरे क्यों बच्चे को डांटते हैं कितना अच्छा बच्चा है, आप उसका रक्षण किया तो दूसरे अवतार वो हमारे पास आएगा पड़ोसी का लड़का दूसरे अवतार हमारे वहां लड़का होके आएगा। नहीं कभी अंकल को बोलते हैं ना हमारे चाचा जी को, जिनकी में पाव रखेगा तो मार डालेगा, तो हमारे घर पे नहीं आना चाहिए, तो ऐसा है वैसा है, और बाद में हम मिलकत में झगड़ा करके उसको हकार देते हैं, तो वही अंकल हमारे बेटे के वहां बेटा होके आएगा और सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा फ्यूचर में। देखो हम जिसके पर द्वेष किया वही हमारे घर में आए, राग किया वो भी हमारे घर पे आते हैं। राग द्वेष, और राग द्वेष क्यों करते हैं, क्योंकि स्वरूप की अज्ञानता है। मैं खुद ही, आप मानते हो कि मैं संजय हूं मगर संजय को शरीर का स्वरूप है, आप सचमुच संजय हो कि आपका नाम संजय है? नाम संजय। हाँ तो आप खुद कौन हो? अभी मैं ही संजय माना, बाद में मैं पुरुष हूं मुझे कोई अकेला मैं कैसे रह सकता, कोई आधार की जरूरत है, शादी करूंगा तो मुझे कोई आधार मिलेगा, तो शायद मैं पुरुष हूं तो स्त्री के साथ शादी करता है, और स्त्री पुरुष इकट्ठा हुआ तो बच्चे आते रहेंगे, पर ये आते यानी पूर्व के राग द्वेष वाले वही बच्चे होके आते हैं। अभी मैं संजय ही नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं तो फिर मुझे कोई आधार की जरूरत नहीं, कोई अवलंबन की जरूरत, निरालम मुक्त हुए तो फिर कर्म बंधन से मुक्त होएंगे और जन्म मरण के फेरे से भी मुक्त होएंगे। अभी हमें क्या करना है, जो आ पड़े हैं बच्चे हैं पत्नी है बहू है जवाई है सभी के साथ समभाव से निकाल करना है, राग और द्वेष नए मत करो और समभाव रखो, निमित्त को निर्दोष देखो और खुद की गलती देख के समभाव रख के हिसाब पूरा करो, नए कर्म न बने उसकी जागृति में हमें रहना है। लड़का काम नहीं करता तो हम उसके ऊपर गुस्सा करेंगे क्रोध करेंगे, तो हमें समझना चाहिए क्रोध से हम कर्म भी डालते हैं, तो माफी मांगना चाहिए, मुंह से नहीं बोल सके तो उनके भीतर शुद्धात्मा को याद करके इनके लिए मैंने इतना गुस्सा किया माफी मांगता हूँ, मुझे कोई राग द्वेष नहीं करना। हाँ समझा के बात करो कुछ एडजस्टमेंट करो, पर द्वेष अभाव तिरस्कार मत करो। तो ऐसे धीरे धीरे हम ये जागृति में रहे तो व्यवहार भी सुधरेगा और कर्म बीज नहीं गिरेंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम कर्म के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं और जान रहे कि हम कर्म किससे कहते हैं, काम धंधा करना, सत्कार्य करना, दान धर्म करना, इन सभी को कर्म करना कहते हैं। तो दोस्तों कर्म क्या होता है, वो कॉजेस है या इफेक्ट, क्या कर्म की इफेक्ट को टाला जा सकता है, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। जो हमने जन्म जन्मांतरों से गलत कर्म आज तक किए हैं उसके दुष्फल को भोगने से कैसे बचें, उन कर्मों का नाश कैसे हो? कर्मों का नाश नहीं होगा, रामचंद्र जी को भुगतने पड़े, कृष्ण भगवान को भुगतने पड़े, महावीर भगवान को भुगतने पड़े, हम कैसे बच सकते हैं? कर्म के बीज न गिरे नए उसका पुरुषार्थ है। नहीं बहन जी बता, हम परेशान हो जाते हैं, हम भाग जाए से सोचते, तो ऐसी स्थिति में हम संभाव रखे, संभाव से नए कर्म बीज नहीं गिरेंगे, कर्म फल तो भुगतने ही पड़ेंगे। महावीर जय भगवान जैसे भगवान तीर्थंकर थे तो भी कान में खिले ठोक गए, क्राइस्ट भगवान को भी लोखंड के खिले मार दिए, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जी। छोड़ नहीं से कर्म फल तो भुगतने ही पड़ते, मगर नए बीज न गिराना वो पुरुषार्थ मनुष्य के हाथ में है। तो वो कैसे किया जाएगा? वो ज्ञान से हो सकता है। एक बीज कैसे गिरते हैं, मैं ही सुप्रीत कौर हूँ मैंने किया, कर्ता भाव से कर्म बंधन होते हैं, और करने वाला कौन है बताते हैं, और मैं खुद कौन हूँ जानकारी प्राप्त हो जाती है, वो जागृति में रहने से नए कर्म बीज नहीं गिरेंगे जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत की, कर्म क्या है, कैसे बनता है, कर्म करना करवाना और अनुमोदन करना उसका परिणाम क्या होता है, क्या समूह में किए हुए कर्म का भुगतान भी समूह में होता है, चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। हम एक साथ कई जन्मों के कर्मों के फल भुगतते हैं मनुष्य जन्म में या थोड़ा थोड़ा करके हर जन्म में भुगतते हैं? एक्चुअली पिछले जन्म का इस लाइफ में पूरा हो जाता है, पिछले जन्म में जितने भी कॉजेज किए हैं इस लाइफ में इसके फल पूरे हो जाते हैं, इस लाइफ में नए कॉजेज जितने भी करते हैं उसके फल दूसरी लाइफ में आते हैं, ये सिद्धांत है। ये जैसे ये बिजनेस करते हैं
2005 में किया तो 2006 में कितने ग्राहक के साथ व्यवहार होगा, तो 3 लेने वाले 5 देने वाले उतना ही होगा। और 500 आदमी के साथ व्यवहार किया तो उसमें से 400 बांटने तो छूट जाएंगे क्योंकि हिसाब पूरा हो गया है। तो यही, और जितना माल पड़ा है उसके हिसाब से नए ग्राहक आएंगे, और कैश पड़ी है उसे वो खुद नया कुछ परचेस कर सकेगा, माल खरीदेगा तो नया ग्राहक आएंगे। तो ऐसे जीवन का व्यवहार है। पिछली 2005 में जितना भी बिजनेस किया उसमें से एक्स्ट्रा जो जो बैलेंस शीट है उतना ही कैरी फॉरवर्ड होता है, स्टॉक कैश एंड जो 2-3-8 है आदमी वही कैरी फॉरवर्ड होगी। और 2007 में क्या होएगा, 2006 का बैलेंस शीट आएगा। ऐसे हर लाइफ में पिछला लाइफ का बैलेंस शीट कर्म फल आता है। कर्म बीज पिछली लाइफ में डाले जाते हैं, कर्म फल इस लाइफ में आते हैं। तो ये आपका यही सारे जन्म का भुगतान हो जाए और नए चार्ज नहीं करे तो क्या हो सकता है कि यही आखिरी जन्म हो? तो सच्ची बात है, पूरे डिस्चार्ज कर्म भुगत लिए, नए कर्म चार्ज नहीं होने दिए तो लास्ट आखिरी जन्म हो सकता है। मगर संपूर्ण चार्ज स्टॉप होना ये अक्रम विज्ञान है, उसमें एक दृष्टि मिलती है। आप दादाजी की 5 आज्ञा जितनी पालन करो तो 5 आज्ञा वो खुद ही कर्म चार्ज करती है, मगर कितना वे टू मोक्ष मार्ग। और संसार में भटकने के सब कर्म चार्ज स्टॉप हो जाता है, और ये जो कर्म चार्ज हुआ 5 आज्ञा पालन करने से वो 1-2 लाइफ देगा और बाद में वो भी खत्म हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं कर्मों के सिद्धांत की। दोस्तों, क्या कर्मों के भी कोई प्रकार होते हैं? अगर है तो कितने प्रकार है? चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। इंसान से मृत्यु के बाद में इंसान से इंसान ही पैदा होना चाहिए, फिर उसमें जानवर गति, देव गति या नरक गति बताया जाता है, इसके बारे में समझाइए। एक्चुअली क्या है कि इंसान जो दिखता है, 5 इंद्रिय सब मनुष्य जो दिखता है, वो कर्म फल भुगत रहा है। और कर्म फल भुगतने के टाइम भीतर में कौन से भाव है उसके हिसाब से कर्म बंधन चार्ज होता है, और वो चार्ज के हिसाब से उसको जानवर गति, मनुष्य गति, देव गति या नर गति होगी। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कुछ अच्छा बंगला है, अच्छा धंधा चलता है तो हमें लगता है कितना अच्छा आदमी है, दान भी देता है, और भीतर में देखेंगे तो भीतर में क्या है, दान देने के टाइम हमारे वो जमीन लेनी है, इस तरह दान देगा तो जरा नाम अच्छा होगा तो हमको आसान हो जाएगा, इंटेंशन उसका खराब है, दानत बिगड़ती है। और बाद में अणहक के विषय, अणहक की लक्ष्मी, वो चीटिंग करके दूसरे से पैसे ज्यादा खींच लेता है, तो ये मनुष्य में से जानवर में जाने की तैयारी कर रहा है, और सेवा करता है, परोपकार करता है, दान करता है, और भक्ति भाव से एक नहीं मुझे दूसरे को सुख देना है, शांति देनी है, हेल्प करनी है, तो मनुष्य कर्म ऐसा बांधेगा मानवता का वापस मनुष्य में जन्म हो पाएगा। और सारी जिंदगी दूसरे के सुख के लिए ही जीता है, देवगति में भी जा सकता है, और अनर्थ दूसरे को हेतु बिना और अनर्थ दुख देता है या हिंसा करता है, मार डालता है, तो नर गति में भी जाए। यानी भीतर में कौन से प्रकार के भाव है, जब क्रोध करता है तो भीतर में पश्चाताप भी हो सकता है और खुशी भी होती है किसी को, अरे देखो सुधार दिया क्रोध करने के बाद। तो ये भीतर में भाव अलग है और बाहर की क्रिया अलग है। भाव नेगेटिव हो गया तो अधोगति में जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो ऊंची गति में जाएगा। ऐसा नियम नहीं है कि मनुष्य में से मनुष्य में ही होएगा, गुलाब में से गुलाब होएगा, बबूल में से बबूल होएगा, ऐसा नियम नहीं है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, तो एक छोटा सा भाव ही हमारे अगले जन्म की मन वचन काया की बैटरी को चार्ज करता है और हमारे संसार व्यवहार की घटमाल को चलाता रहता है। ज्ञानी से ज्ञान पाकर ही इन सारे कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए, आत्मज्ञानी से ज्ञान पाने के लिए, अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद।